ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक कॉमन दिक्कत आती है ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट की, यानी कि दूध भर जाता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट बहुत कड़क हो जाते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द इतना ज़्यादा होता है कि आप बच्चे को फीड भी नहीं करा पाते हैं। इस समस्या को ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण होता है कि निप्पल्स जो होते हैं वो अच्छी नहीं होते हैं, अच्छी तरह से बाहर नहीं होते हैं, रिट्रैक्टेड होते हैं, अंदर घुसे हुए होते हैं, जिसके कारण कि आप दूध नहीं पिला पाते हैं और दूध भरता चला जाता है और यह एक विशेष साइकिल बन जाता है। आप दूध नहीं पिला रहे हैं इसलिए दूध और ज़्यादा भरता चला जाता है। तो इसका इलाज ये होता है कि आपको पहले तो ब्रेस्ट को हॉट कंप्रेस करना है, यानी कि गर्म पानी से सिकाई करनी है, और एक पेन किलर खाना है जिसकी वजह से दर्द थोड़ा कम हो जाए, ब्रेस्ट थोड़े से नरम हो जाए, और फिर बच्चे को फीड कराना है। जितना बच्चे ने पी लिया उतना अच्छा है, जो बच गया उसको आपको बाहर निकालना मतलब एक्सपेल करना है, और इसके बाद में आपको कोल्ड कंप्रेस करना है मतलब बर्फ से सिकाई करनी है, ताकि आगे और ज़्यादा दूध ना भरे और एंगॉर्जमेंट कम हो जाए, आपका पेन कम हो जाए।